और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई। जेल में मुख्तार को मेडिकल कॉलेज बांदा शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में एडमिट है मुख्तार अंसारी। मुख्तार के वकीलों को अनहोनी की आशंका है। देर रात जेल में तबीयत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार को कल पेट में थोड़ा दर्द हुआ और वो अचानक से गिर गए, जिसके बाद आईसीयू में एडमिट कराया गया है। यूरिन इन्फेक्शन फिलहाल बताया जा रहा है, हालांकि अभी डॉक्टर्स की तरफ से बुलेटिन जारी होगा, उसके बाद डिटेल आ पाएगी। लेकिन आपको बताया बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में एडमिट कराया गया है मुख्तार अंसारी को। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और देर रात को तबीयत बिगड़ी थी और पेट में दर्द के बाद गिर गया था मुख्तार अंसारी, और उसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। और ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो दिन पहले लापरवाही हुई थी सुरक्षा कर्मियों की, जिसके वजह सुरक्षा में लापरवाही हुई थी, जिसके वजह से कार्रवाई की गई थी। तीन अफसरों पर गाज गिरी थी, सस्पेंड कर दिया गया था। और ये दो तस्वीरें आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आईसीयू में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है वो देख सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। मुख्तार के सभी जरूरी टेस्ट किए गए हैं। मुख्तार को 4 से 5 दिनों से कब्ज की दिक्कत थी, पेट पे दिक्कत थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार को सुबह 3:55 पर एडमिट कराया गया था। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी रख रही है, तो सभी जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो करवा लिए गए हैं। 4-5 दिन से पेट में दिक्कत थी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या अपडेट, हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है? देखिए, फिलहाल हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का, और ये बताया गया है कि उनको जो है पेट में दर्द हुआ था, उसके साथ उनको करीब 4 से 5 दिन से लगातार जो है यूरिन की दिक्कत हो रही थी, और अभी फिलहाल जो इनको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करा दिया गया है। और अभी स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य है, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये मेडिकल कॉलेज बांदा की तरफ से फिलहाल ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें बात में जिक्र किया गया है कि क्या क्या उनको दिक्कत है। और मुख्तार अंसारी को फिलहाल अभी जो है बांदा जेल से रात में ही निकालकर बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। और जैसा कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है उसको लेकर यूरिन इंफेक्शन जो है वो सबसे पहले जो है मालूम चली थी, उसी को फिलहाल मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी कहा गया। शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पेट में दर्द था काफी दिनों से, 2-3 दिनों से पेट में शिकायत थी। फिलहाल जरूरी जो टेस्ट होते हैं वो भी कराए जा रहे हैं, और बाकी जो लगातार डॉक्टर्स निगरानी रख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी आगे कड़ी की गई है।